हाय, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल फार्मर में शो। थैंक यू सो मच, आज फिर से आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल में। तो आज हम आपको फिर से बताएंगे कि हमारे लिए पोल्ट्री फार्म में हर दिन महत्वपूर्ण है, पहले दिन से आखिरी दिन तक यानी फॉर सेल तक। सो आज हमारे फार्म की 21वें दिन की वीडियो है और आज हम आपको बताएंगे 21वें दिन हमने क्या आज बदलाव किया है। आज पोल्ट्री में कुछ रेट अच्छे हुए हैं, सुधार हुआ है रेटों में, यानी कि जो मुर्गा मंडी होती है उस रेट में सुधार हुआ है, बेहतरीन सुधार हुआ है। इस समय हमारे यहाँ 90, 92, 95 रुपए माल बिक रहा है किलो। तो अब ऐसे सुधार को देखते हुए हमने एक मैनेजमेंट में थोड़ा सा बदलाव किया है। हम और भी तेज़ी से अपने जो बर्ड्स हैं उनका ग्रोथ यानी वेट बढ़ाना चाहते हैं और तेज़ी से। तो आज हमने अपने बर्ड्स में सुबह से दूध और गुड़ का जो है इसमें फीडिंग किया है, यानी आज हमने दूध और गुड़ मिलाकर इसमें फीडिंग में पानी में चलाया है। तो आपको कैसे लगाना है आज हम आपको ये बताएंगे। हमने जब से हमारा जो टॉक्सोल और नेफ्रोकेयर चल रही थी वो 20वें दिन बंद हो गई थी, 21वें दिन से हमने आपको बताया कि हमने दूध और गुड़ लगाना स्टार्ट किया है। दो दिन हम इसको लगाएंगे, यानी कि 21 और 22वें रोज तक, 23वें रोज हम आपको फिर एक वीडियो लेकर आएंगे। तो 21वें रोज में हमने सुबह के पानी में 1000 बर्ड्स पे 10 लीटर दूध और 1 किलो गुड़ उसका घोल बनाकर इन्हीं ड्रिंकरों में डाल दिया है, जो अपने ऑटोमेटिक ड्रिंकर होते हैं इन्हीं में आधा आधा लीटर या जैसा भी बना उसमें हमने डालकर इनको सुबह से पिला दिया है। अब इसे कल भी ऐसा ही हम करेंगे, सुबह के पानी में इनको दूध और गुड़, 10 लीटर दूध और गुड़ यानी 1000 बर्ड्स पे, हमारे 1500 बर्ड्स हैं, हमने 15 लीटर दूध और 1.5 किलो गुड़, 2 किलो भी कर सकते हैं, कोई ज़्यादा उसमें वो नहीं, हमने 1.5 किलो लगाया है। इससे क्या होगा, बहुत ही शानदार वेट गेन फिर से करने लगेंगे, ये दाना उठाने लगेंगे और ये और तेज़ी से बढ़ने लगेंगे। हालांकि हमारा बर्ड्स बहुत शानदार बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं कितना शानदार बर्ड्स बढ़ रहा है, लेकिन हम और भी तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि थोड़ा मंडी में ग्रोथ आया है, उछाल आया है, तो हमने सोचा है कि थोड़ा और तेज़ी से बढ़ाया जाए। तो आज हम आपको फिर से अपने बर्ड्स का एक किसी बच्चे को पकड़ के उसका वेट कराएंगे और हम आपको वेट की वीडियो दिखाएंगे। तो देखते हैं हमारा अंदाज़ कैसा था। हमने उस दिन बताया था शायद 1 किलो की समथिंग हो जाएगा, मेरे ख्याल से उससे ऊपर ही चला गया है। तो चलिए आज हम एक बर्ड्स पकड़ के तौल कर देखते हैं। तो चलिए हम बर्ड्स का वज़न करा के दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले आप जीरो देख लीजिए, तो ये जीरो है और ये काटा है, इसमें हमने अपना बर्ड्स पकड़ा हुआ है, ये छोड़ दिया है। देखिए 1260 ग्राम, ओ माय गॉड, माशाल्लाह, बहुत ही शानदार वजन बढ़ाया है हमारे बर्ड्स ने और ऐसा ही बर्ड्स बढ़ना चाहिए, और मैनेजमेंट जब अच्छा हो तो बर्ड्स बढ़ता है। हालांकि थोड़ा गैप हो गया था लॉकडाउन की वजह से, हमने उसमें मुर्गा बहुत ही 5 या 6 माह बाद डाला है, इसलिए वेट गेन किया है। तो हमेशा गैप करके चूजा या बर्ड्स डालने में तो फ़ायदा होता है हमेशा, तो तभी सारे लोग बताते हैं कि गैप करके बर्ड्स को डालना चाहिए। तो चलिए और हम आगे बात करते हैं। तो हमने लाइट्स ऑन कर दिए हैं, देखिए इतना शानदार उजाला हो चुका है और ये हमारा बर्ड्स बहुत ही शानदार वजन बढ़ाया है। तो हमने फिर भी आज से थोड़ा और भी ग्रोथ बढ़े इसके लिए हमने अपना काम शुरू कर दिया है। तो कल हम और दूध गुड़ लगाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे आपको ये भी बताएंगे। हमने पूरा 1 से 22 दिन तक का आपको आंखों देखा हाल बताया अपने फार्म का, हम किसी के फार्म की बात नहीं करते, हम अपने एक्सपीरियंस की, अपने फार्म की बात कर रहे हैं और आगे भी हम आपको पूरी फॉर सेल तक वीडियो आपको बनाते रहेंगे। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल की बेल आइकन जरूर दबाएँ, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और डिसलाइक भी कर दें अगर आपको हमारा वीडियो बुरा लगे।